आज हम बात कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर की। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक घर पे मैंने विजिट किया, उन्होंने कहीं ऑस्ट्रेलिया में ही कोई कंसल्टेंट थे उनसे वास्तु कराया और उनको कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि जो वास्तु उस कंसल्टेंट ने किया था, जो भी वहाँ पे कंसल्टेंट थे जिनको उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया था, बुलाया था, जो वो कंसल्टेंट थे उन्होंने जो उनके घर पे वास्तु किया था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला वास्तु कर रखा था। जो वास्तु इंडिया में किया जाता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किया जाता है, वो वास्तु उन्होंने सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रखा था दोस्तों। वो उनका घर उसने पूरा एंटी वास्तु बना दिया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु अप्लाई करके दोस्तों। उसके बाद उनको वहाँ जाके मैंने पूरा गाइड किया, क्योंकि मकान फिनिशिंग स्टेज में था तो वो चेंजेस कर पाए और उनको फिनिशिंग में ही प्रॉब्लम आ रही थी, फंड्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही थी और उनके साथ एक के बाद एक कोई ना कोई उनको समस्या आने लगी थी जब से उन्होंने वास्तु कराया था। तो उसके बाद वहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में जिस तरीके से वास्तु, दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु 100% चेंज नहीं है, लगभग 27-28% तक वास्तु चेंज होता है। कुछ कंसल्टेंट क्लियरली ये मानते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है सदर्न हेमिस्फीयर में वो साउथ ईस्ट हो जाता है, ऐसा पूरा नहीं होता दोस्तों। सिर्फ 27% का फर्क पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के वास्तु में। इसीलिए कुछ कंसल्टेंट जो सदर्न हेमिस्फीयर में वास्तु कर रहे हैं वो बहुत बार इस चीज को अप्लाई कर देते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसी को सीधा सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा कर देते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से उसको साउथ ईस्ट कर देते हैं, जो साउथ ईस्ट से उसको नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं। और बहुत सारे कंसल्टेंट तो मैंने देखे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट को सीधा साउथ वेस्ट कर देते हैं, वो इस तरीके से मैप को फ्लिप कर देते हैं और कहते हैं वास्तु कर दिया हमने, ये वास्तु ठीक कर दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ वास्तु के रूल चेंज होते हैं, ना कि सारे रूल चेंज होते हैं। तो वहां पर जब मैंने विजिट किया दोस्तों, वहां पे मैंने देखा कि वो जो कंसल्टेंट है उन्होंने वही मास्टर बेडरूम जो इंडिया में होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, वही सेम वहां पे वास्तु अप्लाई कर रखा था। साउथ वेस्ट में उन्होंने मास्टर बेडरूम बना रखा था, साउथ में उन्होंने टॉयलेट बना रखा था, एक नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम आ रहा था बच्चे का, उसका टॉयलेट वेस्ट में बना रखा था, साउथ ईस्ट में किचन बना, तो पूरा उन्होंने इंडिया वाला वास्तु कर रखा दोस्तों। ऐसा नहीं होता, सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग 27% तक वास्तु चेंज होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।